जैसा कि हम सबको पता है कि ऑनपैसिव का दो बे पोर्टल इकोसिस्टम और ofounder.net को क्लोज हुए 2 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। वहीं बताया गया है कि सितंबर के अंत तक इन दोनों वेबसाइट को लाइव किया जा सकता है, यानी आने वाले कुछ दिनों में यह कहा जा सकता है कि ये दोनों वेब पोर्टल 3 महीने तक क्लोज था। और इस अवधि के दौरान ऐसा लग रहा है जैसे ऑनपैसिव में सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन इसी बीच फाउंडर लीडर द्वारा यह जानकारी शेयर किया गया है कि ऑनपैसिव का जो मेन वेबसाइट है ofounder.com, वह 1-2 दिन पहले कुछ समय के लिए बंद हो गया था, क्लोज हो गया था, लेकिन अब उसे लाइव कर दिया गया है। यानी ऑनपैसिव का जो मेन वेबसाइट है ofounder.com, उसमें अपडेट किया गया था जिसके कारण यह कुछ समय के लिए बंद हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऑनपैसिव के मेन वेबसाइट ofounder.com में क्या कुछ अपडेट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ऑनपैसिव का मेन वेबसाइट ofounder.com वेब पोर्टल पर आने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है ऑनपैसिव। जब आप गूगल में ऑनपैसिव सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद सर्च लिस्ट में पहले नंबर पर ofounder.com वेब पोर्टल का लिंक दिखाई देगा, जिसे यहाँ पर आप गूगल सर्च लिस्ट के पहले पेज पर पहले नंबर में देख सकते हैं। अब हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ofounder.com वेब पोर्टल का होम पेज दिखाई देने लगेगा। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ofounder.com वेब पोर्टल है वह नए यूजर को विजिट करने के लिए है। इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद नए यूजर को यह पता चलता है कि ऑनपैसिव किस तरह की कंपनी है, ऑनपैसिव में कौन कौन सा सर्विस उपलब्ध है, ऑनपैसिव द्वारा अपने यूजर को कौन कौन सा वेब सॉल्यूशन का सर्विस दिया जाता है। वहीं ऑनपैसिव वेब पोर्टल पर आने के बाद इसे जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे तो इसका इंटरनेट पहले के जैसा ही दिखाई देगा। वहीं इस वेबसाइट के दाहिने साइड में यहाँ पर AR करके ऑप्शन है और इस ऑप्शन में यहाँ पर 3D का एक लोगो दिखाई दे रहा है। और जब आप इस 3D लोगो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑनपैसिव का जो प्रोडक्ट है, ऑनपैसिव का जो वेब सॉल्यूशन है, उसका डिटेल, उसका आइकॉन दिखाई देता है, जिसे आप इसे यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ऑनपैसिव में जितने भी वेब सॉल्यूशन है उसका आइकॉन और उसका डिटेल यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। साथ ही इसे बंद करने के लिए आपको यहाँ से क्लोज कर देना है, या फिर इस ऑप्शन के अलावे आप इस वेबसाइट पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो यह कुछ इस तरह से क्लोज हो जाएगा। वहीं इन सभी वेब सॉल्यूशन में रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है और जब हम रीड मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमें उस वेब सॉल्यूशन का डिटेल दिखाई देने लगता है। हम उस वेब सॉल्यूशन के डिटेल वाले पेज पर चले जाते हैं। तो इस तरह से आप जिस वेब सॉल्यूशन का डिटेल जानना चाहते हैं बस उस वेब सॉल्यूशन के रीड मोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उस वेब सॉल्यूशन के पेज पर चले जाएंगे जहां से आप उसके डिटेल के बारे में देख सकते हैं, उसके डिटेल के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके डिटेल के बारे में जान सकते हैं कि यह वेब सॉल्यूशन किस तरह का सर्विस अपने यूजर को देती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।